एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी काफी समय से अपनी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का विस्तार देने की कोशिश में लगी। पिछले दिनों खबर आई थी कि ईशा बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के किड्स वियर ब्रांड एडा अमा का अधिग्रहण कर सकते हैं। बुधवार को दोनों ने साथ आने का ऐलान कर दिया। ईशा की RRVL ने एडा मामा की 51% साझेदारी खरीद ली है। एडा मामा की शुरुआत एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 3 साल पहले साल 2020 में की थी। प्रमुख रूप से आलिया की कंपनी चिल्ड्रन वियर, टीन्स वियर और मैटरनिटी वियर की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। इसके प्रोडक्ट ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है। रिलायंस रिटेल की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की इस बारे में डिटेल जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि आलिया के कपड़ों के ब्रांड एडा मामा ने रिलायंस रिटेल ने 51% की बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि ये सौदा कितने करोड़ रुपए में हुआ है इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने इस डील को लेकर कहा, रिलायंस में हमने हमेशा उन ब्रांड्स की प्रशंसा की है जो एक मजबूत उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आलिया भट्ट का ये ब्रांड भी इसी का उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि आलिया की बेटी और मेरे जुड़वा बच्चों में 2 सप्ताह का अंतर है और हम प्रेगनेंसी के दौरान संयोग से एक ही समय एडा मामा मैटरनिटी का इस्तेमाल किया और अब अपने बच्चों को भी इसी ब्रांड के किड्स वेयर पहना रहे हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए ये स्पेशल है और प्रोडक्ट, ब्रांड और डील विशेष रूप से मेरे दिल के करीब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.